नमस्कार, और फिर से स्वागत है आपको टुडेज के हमारे इस कार्यक्रम में। ब्रेक के बाद मेरे साथी अनिल कुमार अभिषेक के साथ, और आज हम फिर से हाजिर हैं एक बेहद ही अहम न्यूज को लेकर के। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर वाले मुद्दे पर उनके झूठ के पीछे की क्या हकीकत थी, इसके साथ आज हम हाजिर हैं। जी हाँ, इस समय सियासी गलियारों में चर्चा की सख्त दरकार है। मामले की गंभीरता सार्थक चर्चा की मांग कर रही है, और चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि क्या वाकई में पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये कहा था कि आप कश्मीर मामले को लेकर के मध्यस्थता करेंगे। ये तो फिलहाल अब वही बता सकते हैं, और मोदी सरकार के नेता पीएम मोदी का बचाव करते हुए कह रहे हैं कि हमारी सरकार हमेशा से ही कश्मीर मामले के समाधान के लिए द्विपक्षीय वार्ता के पक्ष में रही है। अब ऐसे में ये मसला काफी उलझा हुआ नजर आ रहा है, और अब इस बात की तस्वीर तो खुद पीएम मोदी ही साफ कर पाएंगे कि आखिर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने कहा क्या था। अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति ने ऐसा कुछ कहने की जहमत फिर क्यों उठाई। ऐसे में इसे लेकर के चर्चा काफी संजीदा हो सकती है, और आपको बता दें कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति का कश्मीर पर विवादास्पद बयान महज एक झूठ है, या एक सोच समझ करके रणनीति के तहत बोला गया झूठ है। वो पहला अमरीकी राष्ट्रपति जिसने नॉर्थ कोरिया की धरती पर कदम रख करके और किम जोंग अन जैसे तानाशाह से बातचीत करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया हो, क्या वो बिना सोचे समझे कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर इस तरीके का झूठ बेतुका बयान दे सकता है? ये सोचने वाली बात है। पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम का अगर विश्लेषण करें, तो ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस झूठ की आड़ में भारत को एक संदेश देने की कोशिश की है। उसके पीछे कई वजह है। दरअसल अमेरिकी सामानों पर भारत ने हाल ही में टैरिफ बढ़ा दिया था, और ऐसा स्टील और एल्युमिनियम जैसे प्रोडक्ट्स की आयात पर भारत के ऊंचे टैक्स से राहत न देने के बदले किया गया। ये बात ट्रंप को नागवार गुजरी थी। दूसरा, भारत ने रूस से S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी भरकम डील पर मुहर लगा दी, जो अमेरिका को नागवार गुजरा। अमेरिका ने रूस से इस एयर मिसाइल सिस्टम की खरीद न करने के एवज में पैट्रियट और थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम भारत को देने की पेशकश की थी। हालांकि अमेरिका की इस पेशकश को लेकर के भारत ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन अमेरिका भारत को रणनीतिक साझेदार बताता है, और बावजूद इसके वो भारत को सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन घुमा फिरा करके काउंटरिंग अमेरिकन एडवाइजरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट के दायरे में लाने का संकेत देते रहा है। अगर भारत ने रूस से S-400 मिसाइल खरीदा, तो रूस जिन देशों को S-400 मिसाइल बेच रहा है, उनके साथ डील की एक क्लॉज के तहत रूस जब चाहे उस देश को दिए गए S-400 का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे लिबरेशन आर्मी को बैन कर दिया, और भारत बलोच लोगों के मानवाधिकार के हनन के खिलाफ, और साथ ही भारत फिफ्थ जनरेशन के 114 फाइटर्स जेट भी खरीदने के लिए ऐसे साझेदार की तलाश कर रहा है जो मेक इन इंडिया के तहत इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे सके। इस रेस में फ्रांस की बोइंग, स्वीडन की SAAB, रशियन कंपनी के साथ अमरीका की लॉकहीड मार्टिन भी शामिल है। इसमें बोइंग भारत को सुपर हॉर्नेट FA-18, साब ग्रिपेन रूस MiG-35, SU-35 और SU-55 ऑफर कर रहे हैं, जबकि अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन F-21 एयरक्राफ्ट ऑफर कर रही है। ऐसे विवादास्पद बयान के जरिए ट्रंप भारत को यह संदेश देना चाहते हैं कि जिन मुद्दों पर भारत वैश्विक माहौल में पाक के खिलाफ अमेरिका ने भारत का समर्थन किया था, वो उन मुद्दों पर अपना रुख बदल सकते हैं। हो सकता है कि भारत इस दबाव में आकर के मदर ऑफ ऑल द डिफेंस डील कहे जाने वाले $15 बिलियन से ज्यादा के इस डील को अमेरिकन कंपनी को दे दे। तो ये है एक बहुत बड़ा रीजन जो माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान के पीछे का सही वजह हो सकता है। वैसे ये बात कितनी सच होगी या है, ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन अभी मोदी की अमेरिका यात्रा पर पूरे विश्व की निगाह है कि मोदी ट्रंप द्वारा दिए गए इस बयान को किस तरीके से लेते हैं, और क्या उसका वो जवाब देते हैं, कैसे उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि इनका अमेरिका दौरा बेहद खास माना जा रहा है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के उस कश्मीर वाले बयान के बात से। बता दें कि दोनों ही नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, अपने अपने देश के कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर माने जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जहां रिपब्लिकन पार्टी के लीडर है, वहीं मोदी बीजेपी के लीडर हैं, और दोनों ही कंजर्वेटिव पार्टी मानी जाती है अपने अपने देश में, अपने अपने पैट्रियोटिक भावनाओं के लिए, अपने देश के लोगों के लिए मेक इन इंडिया या फिर मेक इन अमेरिका जो दोनों की रणनीति रही है दोनों नेताओं की, उसको देखकर के यही लगता है कि दोनों नेता कंजर्वेटिव होने के बावजूद एक दूसरे से काफी अलग दिखाई देते हैं, और टेररिज्म जैसे मामलों पर डोनाल्ड ट्रंप भी
काफी वैसे ही रुख अपनाते हैं या दिखाते हैं जैसे आए दिन मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे कदम उठाती दिखती है। लेकिन ट्रेड वॉर एक ऐसा वॉर है जिसके मामले में डोनाल्ड ट्रंप किसी भी देश के साथ तालमेल अच्छा बना पाने में आगे नहीं दिखते हैं, चाहे वो चाइना के साथ हो, इंडिया के साथ हो, या अभी अभी फ्रांस को लेकर के उनके जो बयान आई है उसे यही दिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब से कुछ भी बोलते दिखते हैं। हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे कुछ दिलचस्प न्यूज़ को लेकर के, बड़ी खबरों को लेकर के। देखते रहें टुडेज़ न्यूज़ चैनल, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। और डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के आने वाली जो मीटिंग है दोनों होने वाली अमरीका में, उसको लेकर के आपको क्या विचार है आप हमें वो भी शेयर करके बताएं। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज़ फॉर मोर न्यूज़।